देखो, टिपिकली इन 1886 ठीक है। इनको नाम दिया था कैनल रेज, तो इन कैनल रेज में चार्ज पार्टिकल ध्यान में आए, बट वैसे देखा जाएगा तो गैस तो ये न्यूट्रल होता है। हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर गैस न्यूट्रल है तो ये चार्ज पार्टिकल आए कहाँ से? सही में सवाल है ये। ठीक है, तो यस सर। फिर ध्यान में आया कि देखो भैया, ये डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी दी थी एटम, ये इज नॉन डिस्ट्रक्टिबल, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसा दिया था क्या डाल्टन ने कुछ डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में? डाल्टन ने अपने कहा था ठीक है, एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कहा था। उसने साथ में और दो तीन चीजें कही थी, उनको भी लिख लेते हैं। क्या कहा था उसने? एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर अलाइक इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरा उसने कहा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और फिर उसने दो लॉ और देकर रखे थे, वो थे एटम्स
combine in small whole numbers to form compound or the relative number and kinds of atoms are constant in given compound. ठीक है, ये डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में दी हुई पांच चीजें लिख लो, इसे इसे समझते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी की तरफ जाते हैं। So, देखो अगर इस प्रकार से है कि एक एलिमेंट के एटम्स सेम है मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, डिफरेंट एलिमेंट के एक दूसरे से डिफरेंट है, वो स्मॉलेस्ट है और उनको क्रिएट करना भी मुश्किल है, डिस्ट्रॉय करना भी मुश्किल है और उनको ब्रेक करना भी मुश्किल है, इसलिए दे कंबाइन इन होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। और एक कोई भी कंपाउंड आप ले लो, कोई भी जगह से ले लो, उसमें ये जो रिलेटिव नंबर है ना सर, ये रिलेटिव नंबर एंड काइंड मतलब क्या, जैसे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट H2O, तो आप कहीं से भी पानी ले लो, उसमें आपको सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, काइंड्स ऑफ एटम, देयर आर टू काइंड ऑफ एटम, वन इज ऑफ हाइड्रोजन, अनदर इज ऑफ ऑक्सीजन। कहीं से भी पानी लो, आपको इसमें ये दो ही चीजें मिलेगी, ठीक है, इसमें तीसरी चीज आपको मिलने वाली नहीं है। और रिलेटिव नंबर मतलब अगर ऑक्सीजन का एक है तो हाइड्रोजन के डबल रहेंगे, अगर ऑक्सीजन के पांच हो गए तो हाइड्रोजन के कितने रहने वाले हैं, 10, अगर ऑक्सीजन के 100 हो गए तो 200 रहेंगे, सो ये डबल रहने वाले हैं, ठीक है। ओके सर, ध्यान में आ गया, ये किसको ध्यान में आया था, डाल्टन को ये ध्यान में आया था, ये आया था 1808 में, ठीक है, 1808 इस 1808 के काफी बाद लगभग 1886 में ये गोल्डबर्ग नाम के जो साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टेन नॉट गोल्डबर्ग, ठीक है, इनको दो इलेक्ट्रिकल प्लेट्स, उनको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिया था और उनके बीच में जो गैस डिस्चार्ज हो रहा था, वहां पर ध्यान में आया कि अरे ये गैस जो है ना, एक तो ये इल्यूमिनेट हो रहा है और ये डेविएट हो रहा है, और कहां डेविएट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज के हिसाब से डेविएट हो रहा है, इट इज डेविएटिंग टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। अगर गैस डिस्चार्ज मतलब क्या, गैस है उसके बीच में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, तो रेज दिखाई दिए, इन रेज को कैनल रेज कहा गया, और ध्यान में आया दिस रेज वेयर पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ से, गैस में तो एटम्स होते हैं, गैस में अगर एटम्स होते हैं और अगर वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है, ये 1886 में ध्यान में आया। फिर ऐसे इस टाइप के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, एंड देन 1897 में किसको पता चला इलेक्ट्रॉन के बारे में,
और जैसे ये इलेक्ट्रॉन ध्यान में आया, उसको ध्यान में आया कि देखो ये जो एटम था ना, इस एटम से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ठीक है। अगर इस एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन है और उसमें से एक अगर बाहर निकल जाएगा तो पहले ये न्यूट्रल था, अब इसमें से कुछ तो निगेटिव चार्ज बाहर निकला, मतलब डेफिनेटली पहले के केस का निगेटिव चार्ज कम हुआ। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज बाहर आया है, निगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। ये पॉजिटिव रेस ये वाले एक्सपेरिमेंट में मिले थे। फिर जाकर ध्यान में आया कि यार देखो एटम के अंदर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज बाहर आता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसका मतलब इस एटम के अंदर कोई तो निगेटिव चार्ज वाला, कोई तो पॉजिटिव चार्ज वाला रहता है। There must be something negatively charged, there must be something positively charged. और यहां से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की, एक्चुअली प्रोटॉन तो ध्यान में आया, इस प्रकार से एटम का स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हुआ। क्या सही है क्या? Yes, sir. फिर थॉमसन ने बताया, क्या बताया थॉमसन ने? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने कहा कि देखो भैया ये जो एटम है ना, इज जस्ट लाइक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। कैसा रहेगा ये? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और जिस प्रकार से पुडिंग में प्लम होता है, केक में टूटी फ्रूटी होती है, बटर स्कॉच आइसक्रीम में वो क्रिस्टल्स होते हैं, तरबूजे में सीड्स होती है, आपके बूंदी के लड्डू में कुछ तो रेड एंड ग्रीन कलर की बूंदी होती है, अदरवाइज वो पूरा येलो रहेगा, वैसे ही ये पूरे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। क्या सही है क्या? यस सर। इस प्रकार से थॉमसन ने अपना पहला मॉडल दिया, ठीक है। इसको ही प्लम पुडिंग मॉडल इस प्रकार से भी जाना जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से पुडिंग में प्लम के क्रिस्टल्स होते, प्लम होता है, उस प्रकार से एटम में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ऐसा थॉमसन ने कहा। दूसरा इसने एक और इंपॉर्टेंट पार्ट बताया, कौन सा पार्ट बताया इंपॉर्टेंट? Atom is electrically neutral. Atom is electrically neutral. मतलब negative charge है, positive charge है, फिर अगर उसे neutral बनना है तो
जितना इलेक्ट्रिक चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए, क्या सही है? जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही अगर पॉजिटिव रहा तो ही जाकर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्या सही है? इससे तुमने दूसरा पॉइंट बताया, क्या बताया उसने? द निगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस या द मैग्नीट्यूड ऑफ इज सेम, ये मैग्नीट्यूड सेम रहेगा या इक्वल रहेगा? पहला पॉइंट उसने कहा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जस्ट लाइक पुडिंग में प्लम या तरबूजे में सीड्स या बूंदी के लड्डू में बूंदी रहेगी। दूसरा उसने कहा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है? बट इसके बाद एक जबरदस्त चीज हुई। कौन सी चीज हुई? इसके बाद आया रदरफोर्ड। सो रदरफोर्ड सर लिखना था ना, सॉरी लिख लो। चल सो आफ्टर थॉमसन रदरफोर्ड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बड़ा जबरदस्त है। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल, सॉरी अल्फा पार्टिकल क्या जनरेट है? क्या सही है क्या? यस सर। चार्ज कितना रहता है? प्लस टू ई। अब ये ई क्या है? सो ई की वैल्यू रहती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। दिस इज मिनिमम पॉसिबल चार्ज, सी इज फॉर कूलम, ठीक है? सो जैसे आपके पास अगर 10 रुपए की नोट है तो क्या आप मुझे 25 रुपए दे सकते हो क्या? नो सर। कितने पैसे दे सकते हो मुझे फिर? 10 रुपए। सिर्फ 10। और आपके पास 10 के 100 नोट है तो आप मुझे 25 रुपए दे सकते हो क्या? यस सर। कैसे दोगे? वापस करा लगा। चार बार तुम्हारा 5 रुपए, 30 रुपए देंगे और 5 वापस लेंगे। हाँ तो मेरे पास भी 5 नहीं है ना, इसलिए तो आप मुझे पैसे दे रहे हो। सर मैं दे सकता। यू कैन आइदर गिव 20 और यू कैन गिव मी 30, ठीक है? क्यों? क्योंकि अपने पास सिर्फ 10 रुपए की ही नोट्स है। सर यू मतलब? यू हाँ बताता हूँ। तो हमारे पास सिर्फ 10 रुपए की नोट है। सो वैसे ये चार्ज का है, एक बेसिक मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? तो E इतना। उस चार्ज की वैल्यू कितनी रहेगी? तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है या ये एक प्रोटॉन का चार्ज है,
आगे जाकर अपन उसे पढ़ेंगे, बट इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। सो इससे ज्यादा चार्ज कितना होगा? 2e, मतलब कितना? इसके डबल, 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, या 3e वो कितना होगा? 4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। सो 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, ठीक है, 8, 9.6, ऐसे ही चार्ज पॉसिबल है। क्या आप मुझे कहोगे सर मुझे ना 2.5 × 10⁻¹⁹ चार्ज चाहिए, क्या ये पॉसिबल है क्या? नो नो सर, इज नॉट पॉसिबल, ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे 10 रुपए की नोट है, फिर मैं 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23 ऐसे पैसे नहीं दे सकता हूँ, मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे ही पैसे दे सकता हूँ, वैसा ही चार्ज के साथ है। सो ये चार्ज मेजर करने का छोटा यूनिट है, वैसे यू ये मास मेजर करने का छोटा यूनिट है, ठीक है। यू ये एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, AMU इसे कहते थे, ये एटॉमिक मास यूनिट, ये मास मेजर करने का छोटा यूनिट है। एंड 1U = 1.67 या 1.66 × 10⁻²⁷ kg मास मेजर करने का छोटा यूनिट है। इससे और छोटा मास हो सकता है क्या? हाँ, इससे और छोटा मास पॉसिबल है, बट उसकी वैल्यू फिर बहुत कम रहेगी, ऐसे मासेस को आप निग्लेक्ट करते हो, क्या सही है? यस सर। सो जैसे देखो ना, अब मुझे बताओ, आपको सोना लाना है, सोना गोल्ड, क्या आप क्विंटल में लाते हो क्या? क्विंटल मध्ये कोणाच्या घरी सोना आणलंय? नो सर, क्विंटल मध्ये अनाज लाते। किलो में लाया है? किलो में सोना लाया है? नो सर। पाव में लाया है? आधा पाव, दो पाव, डेढ़ पाव? छटाक में लाते हैं? नहीं, हम सोना मेजर करते हैं ग्राम में। पर क्या आपके घर में चावल जब लाते हैं तो दुकान में जाकर 20 ग्राम चावल मांगते हो क्या? नो सर। नहीं, अर्धा पाव तांदूळ द्या तो मांगता का? हम किलो से मांगेंगे, या उससे भी अगर अपन साल भर का ले रहे तो अपन एक कट्टा वगैरह लेते हैं, 30 किलो, 50 किलो, 100 किलो, इस प्रकार से, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन वो क्वांटिटी क्या है, उसके लिए कौन सा यूनिट मेजर करना, ये हम डिसाइड करते हैं। अब यहाँ देखकर आपको ध्यान में आ गया होगा कि यार ये एटम बड़ी छोटी सी चीज है, इतना कम मास और इतना कम चार्ज, तो बिल्कुल सही है, ये एटम और उसके ऊपर के चार्जेस ये बहुत छोटे यूनिट है, बट इसलिए काम के नहीं है क्या? नहीं, काम के तो बहुत है, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इस प्रकार से एक बहुत छोटा पार्टिकल जिसका चार्ज पॉजिटिव 2 × e है और जिसका मास 4 × u है, ऐसे अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड के प्लेट पर बम्बार्ड किया। अब ये गोल्ड क्यों लिया उसने, कौन बता सकता है? उसने गोल्ड की शीट क्यों ली होगी, बोलो, कोई बता सकता है? बहुत पतली होती, ये बहुत पतली होती है या गोल्ड को बहुत पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर, गोल्ड को बहुत पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड को आप बहुत पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हो,
दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी, मेटाबिलिटी, मेलेबिलिटी। और फिर डक्टिलिटी क्या होती है सर? वो वायर्स में कन्वर्ट करना, बहुत थिन वायर्स में कन्वर्ट करना इज डक्टिलिटी, एंड थिन शीट में इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। ऐसी एक बहुत थिन शीट ली, इतनी बिल्कुल कितनी थिन है ये पता है क्या आपको? ये काजू कतली या बर्फी खाई है क्या आपने? यस सर। उसके ऊपर वो सिल्वर सिल्वर रहता है, बहुत चकरा चूड़ा होता है ना वो? No, sir. No, sir. No. वो सिल्वर रहता है पर? Yes, sir. इतने थीन शीट में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे थीन शीट को यहाँ पर लगाया। अब ऐसे बहुत थीन शीट पर अगर आप ये अल्फा पार्टिकल को, और इस प्रकार से ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पर निगेटिव बनाकर एक्सीलरेट करके खींचोगे तो ये तो बहुत तेजी से आएगा। अब इसको मास है और इसको कुछ वेलोसिटी भी है, तो उसके पास एनर्जी रहेगी क्या? अरे हाँ या ना? Yes. मास है और वेलोसिटी है, कौन सी एनर्जी रहेगी? हाफ एम वी स्क्वायर वाली, मतलब कौन सी? मोमेंटम। अरे काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ऐसी काइनेटिक एनर्जी देकर आपने इन अल्फा पार्टिकल को खींचा दूर से, ये अल्फा पार्टिकल यहां से आएंगे, क्या होना चाहिए इनके साथ? बहुत एनर्जी वाला पार्टिकल एकदम बहुत पतले वाले कागज पर आ गया, क्या होगा? क्या होगा बोलो? रदरफोर्ड ने उसके वर्ड में कहा है, इट वॉज जस्ट लाइक यू फायर 15 इंच शेल। 15 इंच मतलब आपकी छोटी स्केल होती है ना, वो 6 इंच की होती है। 15 इंच मतलब आपके बड़े स्केल से बड़ा फुटबॉल इतना, शेल मतलब बॉम्ब तोप से जो निकलता है ना, ऐसा कैनन से निकला हुआ शेल अगर आप टिश्यू पेपर पर फेंकते हो तो क्या होगा? फट जाएगा। टिश्यू पेपर ये शेल के साथ कहाँ गायब हो जाएगा पता भी नहीं है। यस। ये आर पार चला जाएगा, सही है ना? यस सर। सो वैसे ही ये भी सब आर पार ही चले गए। हाँ बोलो, किसी ने तो आवाज दिया। हाँ बोलो बोलो ना। काइनेटिक एनर्जी कशी आली सर? गेला मास आहे का? अल्फा पार्टिकल को मास आहे? ओके। अब इसका चार्ज है कुछ पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपने इन प्लेट को निगेटिव कर दिया तो क्या वो खींचे जाएंगे? क्या खींचे जाएंगे? पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इस प्रकार से आपने उनकी स्पीड बढ़ाई। यस। आपने उनकी स्पीड बढ़ाई तो स्पीड भी है मास भी है, उसको काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है? सो ऐसे बहुत एनर्जी का मतलब बहुत स्पीड से आने वाली एनर्जी इस बहुत थीन वाले गोल्ड शीट पर गई। जैसे लगा था 99.86% ये डायरेक्टली चले गए। रदरफोर्ड को इसका बुरा नहीं लगा, इसका आश्चर्य नहीं लगा, उसको आश्चर्य किसका लगा? 2000 में से एक पार्टिकल यू वापस आया। अरे जस्ट इमेजिन, एक बड़ा फुटबॉल
किसी आप टिश्यू पेपर पर किसी पेपर पर फेंक रहे हो, किक कर रहे हो और वो रिबाउंड होकर वापस आ रहा है, जैसे कि वहां पर दीवार है, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि ऐसा अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से वापस आया है, बहुत कम है पर वापस आया है, और इसके कारण उसको ये कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ। उसने कहा कि ये तो बड़ी अजीबोगरीब चीज है, एकदम थीन गोल्ड की वॉल मैं ले रहा हूँ, गोल्ड की फॉइल मैं ले रहा हूँ, और उसके ऊपर मैंने ये तेजी से अल्फा पार्टिकल को भेजा जो कि बहुत छोटा है और जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये सब के सब आर पार जा रहे हैं जैसा कि एक्सपेक्टेड था, पर ये एक अकेला पगला वापस कैसे आ गया? ऐसा क्या है कि जहां से ये रिबाउंड होकर वापस आया? अब फुटबॉल ने वापस आना मतलब डेफिनेटली जहां पर ये टकराया वहां पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे आप ग्राउंड में किक मारते हो और सामने कोई प्लेयर है और वो जब आपके पास बॉल को वापस किक करता है तभी आपके पास बॉल वापस आता है, नहीं तो ग्राउंड में आप बॉल मारते जाओ बॉल दूर जाते जाएगा। तो जैसे फुटबॉल के ग्राउंड में एक प्लेयर होगा वैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ है, और जो तगड़ा है वो इतने बड़े अल्फा पार्टिकल को, इतने वेलोसिटी से जाने वाले अल्फा पार्टिकल को रिबाउंड करता है। अब दूसरा उसे ध्यान में आया, ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, अगर ये रिबाउंड हो रहा है मतलब सामने वाले पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव रहना चाहिए या निगेटिव? कौन पॉजिटिव? पॉजिटिव। क्यों क्यों? बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, और इसलिए रदरफोर्ड को ध्यान में आया ये पूरे गोल्ड प्लेट जो है ये पूरी खाली है, बट देयर आर सम स्पेसेस जहां पर इस प्रकार से बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है और इसको मास भी है, ये मास रिबाउंड हो रहा है मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जमा है वहां पर काफी मास भी होना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से ये अल्फा पार्टिकल ये रिबाउंड नहीं होता। और इसलिए फिर रदरफोर्ड ने कहा कि देखो आप जो कह रहे हो ना ये एटम का पॉजिटिवली चार्ज पेयर है और ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है, ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली इसका पॉजिटिव चार्ज एंड पूरा मास एक पॉइंट पे सेंटर में कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ठीक है? और ये जो निगेटिव चार्जेस जो है वो इसके आजू बाजू में अब घूमने चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा सर ये घूमने क्यों चाहिए? क्योंकि देखो हम ये पढ़ेंगे और इसमें से छोटा पार्ट अपन ने पढ़ा भी है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है पूरा का पूरा, और ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचा जाएगा ना, खींचा जाएगा क्या? यस सर। पर फिर ये खींचा क्यों नहीं जाता है सर? इसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं। अरे नहीं ये पॉजिटिव चार्ज है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो भूल जाओ, वहां तक तो अपन पहुंचे ही नहीं। रदरफोर्ड को इतना पता चला कि ये देखो ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था ना, ये अल्फा पार्टिकल इसको टकरा कर रिबाउंड हुआ होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका मास ज्यादा है, बाकी पूरा खाली है, ये बाकी डायरेक्टली चले गए, ठीक है? यस। मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से चले गए, बहुत थोड़े से जो इसको इसके पास में गया होगा वो कट मार्कर थोड़ा सा डेविएट होगा, कट मार्कर डेविएट होगा, जो सीधा गया हेड ऑन वो हेड ऑन वापस आएगा,
सो इसलिए उसने कहा कि देखो ये बाकी सब पूरी जगह आपको दिख रही है ना, ये पूरी खाली भरी है यार, बस ये छोटी सी जगह जो है ना, इस छोटे से जगह में पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज है। हमारा सवाल ऐसा है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर निगेटिव हम कह रहे हैं, क्योंकि रदरफोर्ड को पता था इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है करके, और एटम के अंदर जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, ये भी उसको पता था। तो देखो उसने क्या कहा, क्या आपने कभी मिक्सर पर काम किया है क्या? यस सर। ओके, वो चटनी जब आप बनाते हो घुमाने के बाद बीच में जमा होती है या दीवार पर चली जाती है? दीवार पर। क्यों? दीवार पर। क्यों 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 बात क्यों होता है सर? फोर्स। कौन फोर्स लगाता है? मिक्सर से तो ब्लेड। शरबत बनाया कभी? जोर जोर सर, जोर जोर से जब घुमाते हो तब वो शरबत बाहर जाता है, तो वो क्या उस कंटेनर के बाहर चला जाता है या बीच में जमा होता है? कंटेनर के बाहर चला जाता है। ओके, जब आपकी अभी बारिश के सीजन में जब आप साइकिल चलाते हो और दोस्त के साइकिल के पीछे रहते हो, तो चक्के से जो फवारा आता है बाहर, वो कौन से डायरेक्शन में जाता है? पीछे के डायरेक्शन। पीछे के। पीछे के डायरेक्शन में, मतलब अगर ऐसा साइकिल का चक्का होगा तो ये फवारा ये इस प्रकार से जाता है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको ध्यान में आएगा कि अगर इसको कोई पकड़ कर रखने वाला नहीं है तो ऐसे गोल गोल घूमने वाले चीजों की इच्छा रहती है इस प्रकार से टेंजेंशियल डायरेक्शन में भागने की। इसलिए अगर आपको एखादी चीज को गोल गोल घुमाना है, आपने चार्जर ले लिया और चार्जर को इस प्रकार से गोल गोल घुमा रहे हो, या कोई भी एक स्ट्रिंग ले लो उसको एक पत्थर बांधो और उसको गोल गोल घुमाओ, तो इसके बीच में टेंशन आता है। यस सर। क्योंकि इस प्रकार से गोल गोल घूमने वाले चीज के लिए इस प्रकार से सेंटर की तरफ कोई खींचने वाली चीज चाहिए, अगर वो नहीं रही तो जिस प्रकार से चटनी दीवार पर चली गई वैसे ये दीवार पर चला जाएगा। ओके, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव ये जो फोर्स रहेगा, इस फोर्स के कारण क्या होने वाला है, ये इसके तरफ खींचे हुए रहेंगे। बट ये अंदर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि ये इस प्रकार से गोल गोल घूमते रहते हैं, और इसलिए फिर रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, तो ये ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहते हैं। उसको अपने मन में आया और इसलिए उसने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसा हुआ क्या? नहीं। उसको ध्यान में आया कि देखो पॉजिटिव नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचे जाने चाहिए, वो खींचकर न्यूक्लियस में जाते नहीं है, मतलब इनके बीच का जो फोर्स है वो इसको गोल गोल घूमने के लिए मदद करता है। एंड इसलिए रदरफोर्ड ने अपना कंक्लूजन बताया कि भैया एटम का पूरा मास और चार्ज ये सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरा मास एंड पॉजिटिव चार्ज ये सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी जगह वेरी स्मॉल है। क्यों? क्योंकि 99% 99.86 ये डायरेक्टली चले गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ, एटम पूरा का पूरा खाली पड़ा है। 1800 में 2000 में एक 180 डिग्री से वापस आया, मतलब 2000 में से एक ऐसे जगह पर जा रहा है जहां पर बहुत बड़ा मास है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। एंड दैट्स व्हाई रदरफोर्ड ने कहा कि पूरा मास और चार्ज
सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन जिनका चार्ज निगेटिव है, जिनका मास बहुत कम है, वो आजू बाजू में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। क्या ध्यान में आया क्या लॉजिकल सीक्वेंस? यस सर। यस सर। पक्का?